राजस्थान से दीपक कुमार जी का है और देखते हैं क्या जानना चाह रहे हैं। इन्होंने इनफैक्ट मेंशन किया है इनकी एक प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट ये लोन लेने का सोच रहे हैं। आप इस समय लाइन पर हैं दीपक साहब? हाँ सर, लाइन पर हैं सर। ये जो आप प्रॉपर्टी की वैल्यू बता रहे हैं ये किस बेसिस पर, मतलब आपने कैसे इस वैल्यू तक आप पहुंचे? सर जैसे मैंने मतलब 18 लाख की प्रॉपर्टी है, लोन लेने जाते हैं ना तो लोन मिलने पूछते हैं कि कल आओ परसों करें, तो कितना लोन मिल सकता है इस प्रॉपर्टी पर? देखिए ये जो एक वैल्यू है रुमटा साहब, इसमें तो बैंक जिस तरह से खुद इवैल्यूएट उनकी टीम करती है उस वैल्यू तक वो पहुंचेंगे उसके अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन इसमें आपकी जो रीपेइंग भी देखी जाएगी। आप खुद क्या करते हैं दीपक साहब? सर ज्वेलरी का काम करते हैं इसमें तो। ओके रुमटा साहब, जैसे मैंने बताया है ये जो इनकी क्वेरी, इसको किस तरह से ये आगे मूव कर सकते हैं? तो दीपक साहब आप कितनी आय दिखाते हैं जो आप प्रूव कर सकते हैं? जैसे आय तो मेरा मतलब 2-2.5 लाख रुपए की सालाना है और टैक्स भी। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं? हाँ रिटर्न भर रहा हूँ सर। 2-2.5 लाख का सर? 2-2.5 लाख रिटर्न भी मतलब टैक्स भी पेबल है, मतलब 1500 रुपए सालाना टैक्स पेबल होता है। इनके जैसे बता रहे हैं जैसे उन्होंने कहा ये आपने इस FY12 के लिए आपने रिटर्न फाइल किया है, ये असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए कैसे? अभी ये जो 31 जुलाई जिस लास्ट डेट है आपने रिटर्न फाइल की है इस बार? हाँ। उसमें क्या आपने एग्जैक्टली दिखाई है आपकी? जी इस बार रिटर्न फाइल किया ना। उसमें कितनी आय आपने दिखाई है? इसमें दिखाई है 2,25,000 रुपए की आई है। देखिए रुमटा साहब, इन दैट केस तो अगर 5 लाख से नीचे रहती है तो उसमें रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर पोस्ट डिडक्शन है इन दैट केस फिर भी इन्होंने अगर फाइल की है, आपकी क्या राय रहेगी? नहीं क्लियरली अगर टैक्स पे किया है और रिटर्न्स भी रेगुलरली फाइल कर रहे हैं तो जब आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं ऑफकोर्स बैंक देखेगा कि आप उसका क्या करेंगे, आप करना क्या चाहते हैं उस लोन का दीपक जी? साहब लग रहा है इनसे कॉन्टैक्ट जो है ब्रेक कर गया है समय। okay. हम संपर्क टूट गया है तो, फिर भी आप तो रफली जो इनकी सालाना इनकम है उसको अगर 2 या 2.5 से गुना कर दें तो इन्होंने 2.5 लाख के आसपास की सालाना आय बताई तो करीबन 5-6 लाख होता है या प्रॉपर्टी का 50%, तो रफली 5-6 लाख का लोन इनको मिल सकता है। इनका जो लोन का अमाउंट है वो इनकी इनकम के वजह से कम हो रहा है, प्रॉपर्टी के हिसाब से तो इनको शायद ज़्यादा मिल सकता था, लेकिन 5-6 लाख इनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है बशर्ते कि बैंक कन्विंस हो कि ये क्या चीज़ के लिए उस लोन का इस्तेमाल करेंगे। जी